दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ जब टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप होने के बाद कैसे श्रेयस अय्यर और आर अश्विन ने जिताया 100% हारा हुआ मैच, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने इस विकेट पर जहां पर लोकेश राहुल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली नहीं चल सके, वहां अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और आर अश्विन ने कमाल की बल्लेबाजी की और 145 रनों का लक्ष्य, जो पहले तो आसान लग रहा था, बाद में यही लक्ष्य मुश्किल दिख रहा था, जिसको टीम इंडिया ने पार पा लिया और साल 2022 का अंत टीम इंडिया ने जीत के साथ किया। 145 रनों का लक्ष्य मिला था टीम इंडिया को, लेकिन तीसरे दिन टीम इंडिया बैक फुट पर नजर आई थी जब टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बांग्लादेश के सामने पूरी तरह फ्लॉप हो गया था। शुभमन गिल और लोकेश राहुल की खराब बल्लेबाजी देखने को मिली, वहीं चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली भी फ्लॉप रहे, लेकिन अक्षर पटेल ने एक इंच से बल्लेबाजी संभाली रखी। चौथे दिन ये लगा था कि टीम इंडिया आसानी से मुकाबला जीत लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऋषभ पंत आउट हुए उसके बाद टीम इंडिया के फैंस को भी ये लगा कि कहीं ये मैच हार ना जाए, लेकिन श्रेयस अय्यर और आर अश्विन ने शानदार पार्टनरशिप की और बांग्लादेश के मुंह से ये मुकाबला छीन लिया। टीम इंडिया के लिए ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि टीम इंडिया बांग्लादेश में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में भी टीम इंडिया को अब फायदा हो चुका है।